हाय एवरीवन, आई एम अशोक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस तरह का फोटो एडिटिंग के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए, तब जाकर आप भी इस तरह का फोटो एडिटिंग कर पाओगे। और गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड को अपने फ़ोन के पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। यह बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस बैकग्राउंड में अपने मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेना। तो गाइस, मैं अपने दोनों मॉडल की पीएनजी को इस बैकग्राउंड में ऐड कर लेता हूँ, आप भी अपने मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेना अपने बैकग्राउंड में। ओके, दोनों मॉडल की पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको सही पोजिशन में एडजस्ट करनी है। ओके, सबसे पहले ये गर्ल की पीएनजी को रोटेट कर लेंगे। ओके, फ्लिप रोटेट कर लेंगे, इस तरह से फ्लिप रोटेट करके इसे एक पोजीशन में सेट कर लेंगे। ओके, इस तरह से इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके इसे नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेनी है। इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके इसे एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से बॉयस की पीएनजी को भी सबसे पहले गाइस ऊपर के हिस्से को क्रॉप कर लेंगे। ओके, तो क्रोम में जाके नीचे के हिस्से को कट कर लेंगे इस तरह से। ओके, कट करने के बाद आपको इस फोटो को फिर से डन कर लेना है। डन करने के बाद इसे सही पोजीशन में एडजस्ट करनी है, जिस पोजीशन में मैं कर रहा हूँ इसी पोजीशन में आपको भी एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद इस फोटो को डन करना है। डन हो जाने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार हमें ये तिलक की पेंजी को ऐड करना है। ओके, ये तिलक की पेंजी को ब्लेंड में जाके इसे मल्टीप्लाई करके इसे अपने माथे पे एडजस्ट करनी है। ओके, तो गाइस इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, इस तरह से छोटा करके माथे पे एडजस्ट करनी है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एडजस्ट, उसी तरह से आपको भी इस तिलक को एडजस्ट कर लेनी है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को माइनस करेंगे। ओके, माइनस करके इसके डुप्लिकेट लेयर क्रिएट करके गर्ल के पीएनजी में भी इस तिलक को एडजस्ट करेंगे। तो गाइस, अभी तिलक को अच्छी तरह से एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट हो जाने के बाद फिर से हमें इस फोटो को गाइस डन कर लेना है। डन हो जाने के बाद फिर से हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद ब्लर राखी की पीएनजी को ऐड करना है। ये पीएनजी पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड करना। तो गाइस, इस राखी की पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्रॉप में जाके इसकी साइज को गाइस पोर्ट्रेट साइज कर लेंगे। ओके, इस तरह से पोर्ट्रेट साइज करके इसे बैकग्राउंड में फुल स्क्रीन कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी फुल स्क्रीन कर लेनी है। उसके बाद इस फोटो को फिर से हम डन कर लेंगे। डन हो जाने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार हमें ब्लैक साइडो की पीएनजी को ऐड करना है। ओके, तो गाइस मैं ब्लैक साइडो की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसे भी इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेनी है, जिस तरह से कर रहा हूँ इसी तरह से इसको भी फुल स्क्रीन कर लेनी है। ओके, फुल स्क्रीन हो जाने के बाद इस फोटो को डन करना है। फिर से गाइस हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस पर गाइस हमें रेड लाइट की पीएनजी को ऐड करना है। ओके, ये पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड करना है। उसके बाद इस पीएनजी को ऐड करने के बाद सबसे पहले गाइस इसकी साइज को बड़ा करके सबसे पहले इसकी ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसे स्क्रीन कर लेंगे। ओके, स्क्रीन करने के बाद इसे कॉर्नर पर एडजस्ट करनी है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर सामने इस फोटो को डन कर लेना है। फिर से गाइस हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बार एक टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड करना है। जो भी मैं पीएनजी यूज कर रहा हूँ आपको सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर लेना। ओके, उसके बाद टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करने के बाद इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट करनी है। ओके, तो ऊपर के साइड पे एडजस्ट कर लेना, इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ओके, छोटा करके इसे ऊपर की साइड में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो जाने के बाद इस फोटो को फिर से डन कर लेना है। डन हो जाने के बाद फिर से हमें ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस इस बार राखी की पीएनजी को ऐड करना है। तो गाइस इस राखी की पीएनजी को अपने हैंड पे एडजस्ट करनी है। तो गाइस इस राखी की पीएनजी को पहले रोटेट करके इसकी साइज़ को छोटा कर लेंगे। ओके, छोटा करने के बाद इसे अपने हैंड पे एडजस्ट करनी है।
इस तरह से एडजस्ट करके सही पोजीशन में सेट कर लेनी है। जिस पोजीशन में मैं रख रहा हूँ उसी पोजीशन में आपको भी सेट कर लेनी है। ओके, तो गाइस हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। तो गाइस इस फोटो को क्या करना है, सेव कर लेना है अपने फ़ोन के पिक्सआर्ट में। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।